कहा जा रहा है कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ गए, दो दो बार उनकी मुलाकात गोरखपुर में हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो सवाल उठता है कि मोहन भागवत जी को क्यों जाना पड़ा। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक है, बस ये अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, द्वंद्व भी है, लेकिन आरएसएस हमेशा भाजपा के साथ रहेगी अगर भाजपा सरकार में अपनी हिस्सेदारी बना सके तो। और बड़ी मेहनत करके आरएसएस ने भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि उसको भी उसमें हिस्सेदारी मिले। वो क्यों चाहेगी कि जनसंघ का जो हाल हुआ, फिर दोबारा उन्हें एक नई पार्टी खड़ी करनी पड़ी, नया मुद्दा लाना पड़ा, वो दोबारा करना पड़े। लेकिन जब आप देखते हैं कि मोहन भागवत जी जाते हैं और मुलाकात होती है उनकी दो बार योगी आदित्यनाथ जी से, तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब पैंडेमिक चल रहा था तब योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे उनसे मिलने के लिए, आरएसएस से मिलने। और उसके बाद उनकी उस मीटिंग के बाद जब वो वापस उत्तर प्रदेश लौटे, तो उनके उस वक्त ट्विटर था, ट्विटर से तस्वीर हट गई मोदी जी की, उसमें योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर आई। और उसी दिन कहा जाता है कि वे गोरखपुर में जाकर हिंदू युवा वाहिनी की उन्होंने मीटिंग ली। मगर अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हार हुई है, और इसे हार ही माना जाएगा क्योंकि 80 में से 70-75 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी, और वहाँ पर कितनी सीटें जो हैं उन बिना, ऐसा लग रहा था कि बस हार के अलावा कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश में उनके लिए। तो निश्चित तौर पर फ्रिक्शन तो होगा मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच, और ये देखने को भी मिला था जब एनडीए की बैठक हो रही थी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, पुराने पार्लियामेंट हाउस में, नए में क्यों नहीं हुई ये नहीं पता, मगर पुराने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग हुई, तो मोदी जी ने पहली बार उनके पास से निकलते हुए, आदित्यनाथ जी के पास से निकलते हुए देखा भी नहीं, उनकी तरफ इधर देखते हुए उधर देखते हुए चले गए। फिर बाद में जब आदित्यनाथ जी गए उनसे मिलने, तो उनकी पीठ थपथपाई, मतलब कुछ मैसेज तो था उनका। लेकिन उसके बाद ये बात साफ है कि आदित्यनाथ जी उनसे नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो ओरिजिनल आरएसएस से नहीं है, वो हिंदू युवा वाहिनी उनकी है, और उनका एक अलग अपना वर्चस्व भी है आरएसएस के अलावा। इसीलिए चीज़ें गड़बड़ाएं ना, इसलिए मोहन भागवत जी गए होंगे उनसे मिलने के लिए। बाकी तो सच्चाई वही जानते हैं, लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो, विश्लेषण करें, तो यही निकल के आता है कि भागवत जी शायद उनको समझाने के लिए गए कि तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दिनेश सिंह और कौन है वो बृजेश पाठक जी और एक और जो उनके केशव प्रसाद मौर्य जी वगैरह, ये जो इतने सारे उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो शायद कहीं तकलीफ देती है योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि पहली बार भी जब बृजेश पाठक जी को भेजा गया था उत्तर प्रदेश एमएलसी बनाने के लिए, पूरी कोशिश थी मोदी जी की ताकि योगी आदित्यनाथ जी हट जाए और बृजेश पाठक जी मुख्यमंत्री बन जाए, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर जब विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, तब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया बृजेश पाठक को। तीन तीन उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास, तो ऑब्वियस है कि वो भी जानते हैं कि उनके हर काम पे नज़र भी रखी जा रही है। मंत्रिमंडल में अगर वो लोग रहेंगे तो वो खबर सीधे मोदी जी तक जाएगी ही जाएगी। शायद इसी कारण से योगी आदित्यनाथ जी और भी नाराज़ हुए होंगे, और मुझे कोई हैरानी नहीं है अगर अमित शाह जी, जिनकी उनसे बिल्कुल पटरी नहीं बैठती, हमने बार बार देखा है उनके बीच का फ्रिक्शन, और हो सकता है कि मोदी जी ने भी इस बार कुछ कहा हो, और योगी आदित्यनाथ जी कहाँ सुनने वाले हैं किसी की भी कोई बात को, क्योंकि वो अपने तरीके से अपने राज्य की सरकार को चला रहे हैं। तो इस बार मोहन भागवत जी को भेजा गया, तो आप समझ सकते हैं कि मोहन भागवत जी कितना भी फ्रिक्शन हो, कितना भी दोबारा से कंट्रोल अपने पास लाना चाहते हो आरएसएस के पास, ताकि वो कंट्रोल कर सके, सरकार में उनका हस्तक्षेप रह सके, वो करते रहेंगे, लेकिन वो भाजपा के की मदद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। इस वक्त वो मोदी जी की मदद के लिए काम कर रहे हैं, इसी कारण से वो मिलने गए योगी आदित्यनाथ जी से। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदित्यनाथ जी को अपने पास बुलाकर उनसे मुलाकात ना करें और आदित्यनाथ जी जाए ना, कहीं ना कहीं तो कुछ है ना। तो मेरे हिसाब से गड़बड़ भी है और गड़बड़ नहीं भी है। गड़बड़ समझ गए,
आदित्यनाथ जी और इनके बीच में सबके, और आरएसएस और भाजपा के बीच में नहीं है। गलतियां गिनाने की बात अगर करते हैं, जैसे जो आरएसएस के जितने ये लोग हैं जो लिखते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज़र में अभी एक लेख आया था जिन्होंने वो लेख लिखा, आप टीवी पे उनको देखते हैं, पैनलिस्ट के रूप में वो नज़र भी बहुत आते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है जो जो आम आरएसएस के कार्यकर्ता की। लेकिन एक बात बड़ी मज़ेदार है, अगर वो आरएसएस के हैं और आरएसएस सवाल उठा रहा है भाजपा पे, और भाजपा कहती है, जेपी नड्डा जी ने कहा है कि नहीं अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस भी कहती है कि हम सांस्कृतिक संगठन है और हमारा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, तो अगर आरएसएस के ऑर्गेनाइज़र में ये बातें लिखी जा रही हैं कि इनको नज़रअंदाज किया गया, जिनको बाहर से लेके आए उनको दिया गया, आरएसएस वालों को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब है कि आरएसएस का हस्तक्षेप है ना। एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं है, हम तो सांस्कृतिक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि आरएसएस कहती रहती है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, मगर उनका हस्तक्षेप हमेशा रहता है भाजपा के हर कार्य में, और अब उन्हें ये बात माननी चाहिए, ये बात बार बार नहीं कहनी चाहिए कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है। उनके सांस्कृतिक कौन से कार्यक्रम हैं वो भी बता दीजिए। और अगर वो, मुझे याद है कि 2015 सितंबर में उन्होंने मोदी जी के ही मंत्रिमंडल का एक रिव्यू भी किया था, वो रिपोर्ट कार्ड लेते थे पहले मंत्रियों के, और आप जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें होंगी वहाँ वहाँ वो करते थे। वो कैसे बंद हो गया? वो इसलिए बंद हुआ क्योंकि मोदी जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी अपने आप को आरएसएस के प्रचारक से ज़्यादा तो डेफिनेटली समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने दम पर इस कुर्सी तक भी पहुँचे हैं, इसलिए उनका ये सोचना आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सही भी है, उसमें गलत क्या है। आरएसएस को अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो आरएसएस को पावर भी तो उन्होंने दिलवाई है। अगर कोई ये कहता है कि आरएसएस ने उनके लिए काम किया, तो वो तो हमेशा से कर रही है और वो तो सांस्कृतिक संगठन है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पावर में हिस्सेदारी अगर कहीं भी किसी को भी मिली है तो वो तो मोदी जी ने दी है ना। अब इसके बारे में आरएसएस क्या सोचती है ये आरएसएस जाने, मगर जो दिखता है वही हमें बोलना पड़ता है।